हरे कृष्णा, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। तो आज का ब्लॉग है, बहुत सारे मैसेज थे कि लड्डू गोपाल की सेवा करना है, बट कैसे करें नियम नहीं पता। तो वैसे तो मैं हमेशा रूटीन बनाती हूँ, जैसे मैंने समर रूटीन भी बनाया है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की, मैं लाला की कैसे सेवा करती हूँ। वैसे मैंने 2-3 ब्लॉग्स बनाए हैं, अगर आप देखना चाहें तो। अगर आपको ब्लॉग समझ में नहीं आया मेरे बातों से तो आप वो ब्लॉग देख सकते हैं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलेगा, बेल आइकन का ऑन कर लीजिएगा। तो ब्लॉग शुरू करते हैं सबसे पहले कि लड्डू गोपाल की सेवा करना है बट कैसे करें। नियम पहला क्या होता है, जब भी आप लड्डू गोपाल को लाएं तो पहले तो अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो आपको पंचामृत से उनका स्नान कराना है। कोई भी पंडित जी से अच्छा शुभ मुहूर्त आप निकलवा लीजिए, पूजा विधि करवा लीजिए उनकी, उनको अपने घर में ले आइए आप। अब ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, आप फर्स्ट स्टेप ये है और उसमें आप डेट लिख लीजिए कि किस डेट पे आपने उनकी पूजा की थी, अभिषेक किया था, वही दिन पे आपको उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, एक साल के बाद जब होता है तो। सेकंड विधि ये है कि पहले आप उनसे संबंध बना लीजिए कि आप अगर लड्डू गोपाल को लाए हैं तो किस भाव से लाए हैं, क्या संबंध बनाना चाहते हैं। जैसे कि मेरे बड़े भाई लाला हैं, वो मेरे सखा हैं, मैं उन्हें अपना दोस्त मानती हूँ तो मैं उनकी सेवा उस अकॉर्डिंग करती हूँ। जो मेरे छोटे भाई लाला है, मम्मी उन्हें अपना बेटा मानती हैं, तो वो हो गए हैं मेरे भाई, तो मेरी मम्मी उन्हें उस हिसाब से सेवा करती है। अब आप देखिए कि आप उनके साथ संबंध कैसा बनाते हैं। संबंध बनाना भगवान के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही एक चीज़ है जो आपको भक्ति में बहुत जल्दी आगे लेके जा सकती है। वरना अगर आप भगवान के तौर पर अगर आप सिर्फ उनकी पूजा करें तो हमारे मंदिरों में बहुत सारे फोटोज़ होते हैं भगवान के, बहुत लोग तो गणपति पप्पा की मूर्ति भी रखते हैं, लेकिन आप उनसे संबंध ही नहीं बना रहे हैं ना। भगवान है, आपने पूजा किया, कुमकुम लगाया, फूल चढ़ाया, 2 अगरबत्ती धूप दिखा के आप चले गए, संबंध क्या है? संबंध है ही नहीं, वो आप बस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पहले आप उनसे एक संबंध बनाइए, उस संबंध के अकॉर्डिंग आप उनके साथ व्यवहार कीजिए। व्यवहार मतलब जैसे कि मैंने इन्हें अपना दोस्त माना, तो मैं अपने दोस्त की तरह इनसे बातें करती हूँ, इनसे मस्ती करती हूँ, अपनी बातें इन्हें बताती हूँ, खिलाती हूँ पिलाती हूँ। एक दोस्त के साथ कैसे संबंध होते हैं वैसे होते हैं। रोती भी हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, तो सारा संबंध एक जैसा होता है वैसा। जैसे अगर आप बेटा मान रहे हैं तो बेटे के साथ जैसा संबंध होता है वैसे, जैसे आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं वैसे आपको उनकी सेवा करनी, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है तो आपको ज़्यादा समय उन्हें देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर होता है लाला को रोज आपको स्नान कराना है। बहुत लोगों का प्रश्न है लाला को स्नान कराया जाता है, बिल्कुल लाला को स्नान कराया जाता है। और लाला के स्नान में हो सके तो आपको तुलसी का पानी, आपको तुलसी का पत्ता आपको ऐड करना है, अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन तुलसी भगवान की सेवा मतलब भगवान कृष्ण के कोई भी स्वरूप है तो तुलसी अनिवार्य है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आप तुलसी का एक पत्ता आपको जरूर डालना है उनके स्नान में। फिर तीसरा प्रश्न ये आता है कि काले पड़ जाते हैं, लाला का रंग डल होते जा रहा है तो क्या यूज़ करना है। तो मेरे पास तो अभियांग पाउडर है, मैं वृंदावन जाती हूँ तो मैं या तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है, नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ पीताम्बरी या नींबू वींबू लेके ना घिसे, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है, बाल स्वरूप है। बच्चे को आप ऐसे घिसोगे तो कितना तकलीफ होगा, वो तो आप भाव रखिए सबसे पहले उनके अंदर। तो आप चाहें तो आप उन्हें हल्दी और दही, इन दोनों को आप मिक्स करके भी उन्हें लेप लगा के थोड़ा सा नहला सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई है। आपको रोज नए वस्त्र पहनाने हैं उन्हें, इतना भी ध्यान रखना है कि फटे फूटे कपड़े आप उन्हें ना पहनाए। अगर आप अपने आज आप फटे कपड़े पहन के तो बाहर नहीं जाते हैं ना, तो अगर आप पॉसिबल है तो उन्हें अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनाएं और कपड़ों को वॉश करें अच्छे से। पूजा उनकी करनी है रोज, आरती वगैरह उनकी करनी है, वो अनिवार्य है। फिर आपको कम से कम उन्हें 8 टाइम का भोग लगता है मंदिरों में, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं, अगर आपको लगता है 8 टाइम का भोग नहीं लगा सकते, तो 4 टाइम का भोग आपको उन्हें कंपलसरी लगाना है। अब भोग का टाइमिंग क्या है, वैसे तो मैं तो अपने लाला को खिलाती पिलाती रहती हूँ जब उनका मन करता है। पहले तो आपको उन्हें मॉर्निंग में खिलाना है, जब आप उनकी पूजा कर लें उसके बाद आप उन्हें भोग लगाएं, वो 8 से 9 बजे के बीच में जो आपका टाइम है जैसा आपको होता है। मैं इन्हें 8:30 बजे से 9 बजे तक इनको भोग लगा देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 बजे सुबह मत उठाइए, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही उनकी सेवा होगी। फिर आप उन्हें दूसरा भोग लगाएंगी कुछ 12 बजे 12:30 1 बजे के आसपास। अगर बीच में आप उन्हें कुछ खिलाना पिलाना चाहती हैं तो खिला पिला सकती हैं, जब मैं अपने लाला को पानी वगैरह उनके साथ कुछ खिला देती हूँ। फिर शाम को एक भोग लगेगा 5 बजे, फिर रात को सीधे 9 बजे। अगर आप 7 बजे भी शाम को आरती होती है संध्या आरती, आप उस टाइम पे भी अगर भोग लगाना चाहें तो उस टाइम पे भी भोग लगाएं। फिर लाला को हाथ पांव
अच्छे से तब कपड़े चेंज कराइए, दिन के जो कपड़े हैं वो कपड़े हटा के फिर नाइट के ड्रेस जो कपड़ा है वो पहनाइए, उनके हाथ पांव दबाइए और उन्हें सुला दीजिए। उनके पास सिरहाने आपको पानी का एक लोटी है या ग्लास, दोनों आपको उनको रखना है ढक के, तुलसी उसके अंदर होनी चाहिए। भगवान का जितना भी खाना बनता है उन सारी चीज़ों में आपको तुलसी डालनी है, ये ज़रूरी है। नहलाना, खाना पीना जो भी हो, ये हो गया आपका 10 तरीके की चीज़ें। और सबसे मेन चीज़ दसवां ये है, अनियन गार्लिक आपको नहीं खिलाना है। भगवान के भोग में अनियन गार्लिक नहीं होता है, भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंगन नहीं खिलाते, सरगवा नहीं खिलाते, जामुन नहीं खिलाते, तो अगर आप लोगों के संप्रदाय में नहीं खिलाते हैं तो ठीक है, आप मत खिलाइए, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो हमारे संप्रदाय में जामुन भी खिलाते हैं, बैंगन भी खिलाते हैं, सरगवा भी खिलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें को भोग हम लगाते हैं। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप स्किप कीजिए, जो आपके आचार्य आपके गुरु जी ने जो बोला है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मसूर की दाल वो जो पीली लाल वाली समथिंग कुछ होती है वो भी नहीं लगाते, तो नहीं लगाते तो आप मत लगाएगा, लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ें लगाते हैं। ज़्यादा तीखा खाना उन्हें नहीं खिलाना है, ज़्यादा स्पाइसी न हो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बिस्किट वगैरह मैं नहीं खिलाती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है वो कैसे बनता है, कितने टाइम पुराना है, क्या है। बाहर का खाना हो सकता है मैं जितना होता है अवॉइड करती हूँ, सिर्फ मीठा ही मैं उनको बाहर का खिलाती हूँ, पूछ लेती हूँ कि फ्रेश है कि नहीं। और आइसक्रीम भी अगर मैं उनके उनको खिलाती हूँ या अगर ये लाती हूँ कहीं से तो भी पूछ लेती हूँ सबसे पहले कि पैकेट वाला आइसक्रीम मैं जहाँ तक होता है मैं उन्हें नहीं खिलाती हूँ, या तो जो फ्रेश बन के आता है वही आइसक्रीम मैं उन्हें खिलाती हूँ। नमकीन वगैरह नहीं खिलाना चाहिए, अगर आप नमकीन खिला रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे नमकीन में अनियन और गार्लिक का पाउडर होता है। बहुत लोगों की बात नहीं पता है, मुझे भी पहले नहीं पता, लेकिन जब मुझे कंठी पहनी थी तब मुझे पता चला ये चीज़। जब मैंने नमकीन खरीदने के लिए गई तो पीछे आप जब घुमाएंगे रैपर पैकेट वगैरह जब आप घुमाएंगे तो पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा अनियन गार्लिक का पाउडर उसमें पड़ता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। अगर उनको अगर नमकीन वगैरह खिला रहे हैं तो ये चीज़ भी आप एक बार देख लीजिएगा कि उसके अंदर अनियन गार्लिक ना हो। बस इतनी ही सेवा है उनकी। उनके सामने अगर आप भागवत गीता पढ़िए, जब समय मिले तब उन्हें अपने बच्चों की तरह खिलाइए, खिलौने विलौने ले लीजिए, थोड़ा झुनझुनिया वंझुनिया ले लीजिए, झूला रखिए, उनको अलग अलग तरीके से रोज उनका श्रृंगार होता है। बहुत लोग अलग अलग तरीके मतलब खिलौने लेके आते हैं, जैसे बच्चों के लिए कैसे करते हैं आप, जब बच्चे छोटे होते तो कैसे कैसे उनको मनोरंजन के लिए उनको खुश करने के लिए करते हैं, बस उसी तरीके से आपको लड्डू गोपाल के लिए भी सेम करना है। अब एक और चीज़ जो आया था कमेंट में कि जैसे कि हम रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते हैं या गुरुवार को या एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो बिना तुलसी के देखिए बिना तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम कल तुलसी नहीं तोड़ सकते तो आज तोड़ लीजिए, बस सिंपल सी बात है कि बेसिक है, इतने कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है कि हम मंगलवार को नहीं तोड़ते हैं, हम रविवार को नहीं तोड़ते हैं तो हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ते तो बिना तुलसी। कॉमन सेंस है यार, जब संडे को नहीं तोड़ते तो शनिवार को तोड़ दो ना, अगर एकादशी कल है तो आज तोड़ लो या एक दिन पहले तोड़ ले। तो मैं तो एक हफ्ते में तो बाहर से फूल लेने जाती हूँ तो मैं फूल के साथ मुझे तुलसी मिल जाती है, हमारे घर में तुलसी नहीं है तो फिर बाहर ले लो फूल, है ना, फूल तो मिलता है ना जहाँ पर ठेले लगते हैं फूल के, वहाँ जाइए। हम 20 रुपये का 30 रुपये का फूल देते हैं, वो इतने सारे तुलसी दे देते हैं कि 10-15 दिन हमारा चल जाता है। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात है ही नहीं, बहुत सरल है और बहुत सरल तरीके से उनकी भक्ति है। कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके, ज़रूरत ना पड़े तो बाहर आप उन्हें लेके जाइए, घर में ही उनकी सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आपको मेरे चैनल पर आप उनका डेली रूटीन भी देख सकते हैं। जय श्री राधे, हरि बोल।